नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल जो है जो हम आपके सामने हाजिर हुए लेके, वो ये कि देखिए, अक्सर आदमी जो है सवाल आजकल पिछले हफ्ते का ये किए हैं कि नंबर के बारे में एक दो सवाल जो है एक साथी किए हैं, उसका हम जवाब दे देते हैं। सवाल ये किए हैं कि अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, करें कि मौलाना अगर हमें साल सोम खुसूसी में दाखला लेना है तो कितनी किताबों का इम्तिहान होगा। तो देखिए, अगर आपको साल खुसूसी सोम में अगर लेना है और आप जो है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अरबी सोम दोम खुसूसी, दोम खुसूसी में जो किताबें हैं उस सारी किताबों का जो है आपका आपसे इम्तिहान लिया जाएगा, और उसमें से हर किताब में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। जब आपसे उनसे उसमें से जो है समझिए कि सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे, उस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है साल सोम खुसूसी में जो आपका इम्तिहान कि आपका एडमिशन जो है इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये है। और उसके बाद एक साथी और सवाल किए हैं कि अस्सलामु अलैकुम मौलाना, वालेकुम अस्सलाम, अगर हमें साल सोम खुसूसी में दाखला लेना है तो कितनी किताबों का इम्तिहान होगा। सवाल वही है, तो मसला यही है कि इसी के ऊपर एक साथी सवाल किए, वही सवाल है। उसके बाद है कि अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, करें कि मौलाना रिज़ल्ट में मुतरक्की, महफूज और मतलूब का क्या मतलब है। तो देखिए, इसके बारे में हमने इससे पहले भी बतला दिया था कि रिज़ल्ट में जब आप मुतरक्की आता है आपके नाम के सामने, तो इसका मतलब है कि आपको फ़ीस दे के रहना होगा, खुराकी फ़ीस जो होता है महीना, वो आपको देना होगा। फिर उसके बाद महफूज का मतलब ये होता है कि आपके नाम से कोई किताब या समझिए कि खुराकी वगैरह जो है आपका अभी तक जमा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपके नाम के सामने जो है महफूज आ गया है। उसके बाद जो है मतलूब, मतलूब का मतलब ये होता है कि आप जो है इंशा की कापी जो है अभी तक जमा नहीं किए हैं, तो वो आपको जमा करना होता है। फिर उसके बाद अक्सर साथी जो कह रहे हैं कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, हमको भी आपसे बात करना है। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में और इससे पहले भी वीडियो में हमने कई मरतबा जो है कई लोगों के साथ जो साथी सवाल किए थे उनके कमेंट बॉक्स में जो है हमने नंबर दे दिया था, तो आप वहां से नंबर ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी आप नंबर लिख लें कि 7004345700, लेकिन कोशिश ये करें कि आप लोग जब फ़ोन करें तो रात के 9 बजे के बाद जो है फ़ोन करें, उससे पहले दिन में फ़ोन ना करें, इसलिए कि दिन भर हमारा जो है मदरसा भी होता है, फिर जो है मकतब भी है और भी काम होते हैं, तो लिहाजा उस वक्त आप फ़ोन ना करें। उसके बाद एक साथी कह रहे हैं कि अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे, और आपका भाई साजिद, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जो है खुश रखे, बहुत अच्छी बात है। अक्सर साथी जो है सिर्फ नंबर के लिए ही इस मतलब जो है समझिए कि सब साथी मैसेज किए हैं। देखिए, सबसे आम बात यह है कि बहुत सारे साथी जो है, एक और साथी हैं कि हज़रत, मेरा सवाल ये है कि आलिया सालिसा में कितने परसेंटेज नंबर लाना होता है जिससे आलिया राबिया में दाखला होता है। तो देखिए, उसके लिए परसेंटेज के होना ज़रूरी नहीं है, बस इतना है कि आप जो है दारुल नदवतुल उलमा के अंदर जब आप इम्तहान देंगे सालाना, तो उस सालाना इम्तहान में कि आलिया सालिसा में आपका जो है परसेंटेज यानी नंबर देखा जाता है कि आप सब किताब में पास है कि नहीं। अगर आप सब किताब में, तमाम किताबों में अगर आप पास हैं, तो आपको आलिया राबिया में आपका एडमिशन हो जाएगा, दाखला आपका हो जाएगा। इतने सारे जो हैं सवालात थे, बाकी और जो लोग साथी अभी सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि देखिए, दारुल नदवतुल उलमा के अंदर जो हैं, कि दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक से जो भी साथी सवाल कर रहे हैं, तो आपको बतला दें कि ख़ास तौर से एडमिशन के ताल्लुक से, जैसे कि एक दो साथी अभी पिछले हफ्ते भी इस हफ्ते में फ़ोन किए थे, तो आपको बतला दें कि दारुल नदवतुल उलमा के
जो एडमिशन होते हैं और जितनी भी दीनी मदारिस है उन सब का जो एडमिशन होता है उसमें समझिए कि रमज़ान के बाद जो है उसका जो है एडमिशन होता है। रमज़ान के समझिए कि ईद के सातवें दिन या आठवें दिन जो है तमाम मदारिस खुल जाते हैं, तो उसमें जो है आप एडमिशन अपना आके करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि दारुल नदवतुल उलमा के अंदर जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, उसकी तारीख जो है समझिए कि रमज़ान से पहले शब बारात के बाद जो है इसी बीच में जो है ऐलान आ जाता है कि इस इतने तारीख से जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है और इतने तारीख तक उसके लास्ट तारीख डेट रहती है, तो उसी हिसाब से जो है समझिए कि आपको फॉर्म भरना होता है। इसलिए आप जो है समझिए कि हमारे साथ बने रहिए और रमज़ान से पहले पहले जो है एडमिशन के ताल्लुक से जो ऐलान आते हैं वो हम बहुत जल्दी जो है यूट्यूब पर डाल देते हैं और आप फॉर्म जो है वहाँ से ऑनलाइन भर सकते हैं। इसलिए कि अगर जितना आप पहले फॉर्म भरेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा और उतना ही जल्दी आपकी जो है कार्रवाई दाखिला की जो है मुकम्मल हो सकती है। अगर आप पीछे रह गए तो फिर जो है सबसे लास्ट में अगर रहता है तो होता ही है कि सबसे लास्ट में कि जो है समझिए कि रिजेक्ट भी हो सकता है या हो सकता है कि सीट फुल हो जाए, तो ये भी मसला है। बाकी और भी बहुत सारे साथी सवाल करते रहते हैं, तो देखिए कि सबसे अहम ये है कि दारुल नदवतुल उलमा के अंदर हिफ्ज के ताल्लुक से साथी सवाल कर रहे थे, तो हिफ्ज के लिए जो है दारुल नदवतुल उलमा के अंदर जो है शरायत है वो है 10 या 11 साल से लेकर 15 साल, इसके बीच में जो उम्र है उसके हिसाब से इस उम्र के बच्चों को वहाँ लिया जाता है, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि जो है आप दारुल नदवतुल उलमा के अंदर अगर आप अपने बच्चों को हिफ्ज के लिए दाखिला करवाना चाहते हैं तो 3 पारे का हिफ्ज का होना जो है बिल्कुल ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसको भी हम याद रखें। और आपके जहन में और भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो है समझिए कि आप सब लोगों का जो है आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोग देखते भी हैं, दुआएं भी देते हैं, और हमारे जो है अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि इस बीच में जो हम समझिए घर पर थे तो घर पर होने की वजह से जो है वीडियो हम नहीं डाल रहे थे। तो बहरहाल जो कुछ भी हो आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप जो है सवाल कर सकते हैं, फिर इंशाअल्लाह आपके सामने जो है अगले हफ्ते जो हम आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए हम इजाज़त दीजिए, और आपके जहन में अभी भी कोई सवाल हो दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक से या कोई भी सवाल हो तो आप बेधड़क बेझिझक जो है आप पूछ सकते हैं। चलिए हम इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।